एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। तो सबसे पहले आप मेरे इस लुक को कर सकते हैं थोड़ा सा इग्नोर, बिकॉज ये मेरा नो मेकअप लुक है। जस्ट मैंने लिप बाम अप्लाई किया हुआ है और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6:34। सीरियसली 6:34 मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन ठीक है। और अब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कैसे मैं अपने हेयर को प्री कंडीशनर करती हूँ, और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। नो बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं हेयर को लेके, मैम हेयर बहुत डैमेज हो गए हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत डैंड्रफ हो गए हैं और डैमेज हो गए हैं। सबसे मेन रीजन पता ही क्या है? रीबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट। सो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कैसे आप इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप इंस्टेंटली सिल्की स्मूथ हेयर पा सकते हैं। और आज मैं यही आपको दिखाने वाली हूँ, और आपके हेयर फॉल वाली जो प्रॉब्लम है वो भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगी, बहुत जल्दी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। फिलहाल मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ, प्री कंडीशनिंग से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम स्किन की एंड हेयर की जो भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे सबके रिक्वेस्ट पूरी करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज रिक्वेस्ट हो गए बहुत सारे और मैं एक अकेली। तो धीरे धीरे मैं सारे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी हेयर ड्राई कैसी होती है। आपकी हेयर ड्राई होती है पॉल्यूशन से होती है। आप बाहर जाते हो, यू नो धूल मिट्टी तो लगती है, स्कूल कॉलेज ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, तो उसमें धूल मिट्टी और पॉल्यूशन की वजह से आपके हेयर हो जाता है डैमेज। और इसमें 50% रीजन होते हैं हमारे जो सूरज मामा है, वो हमारे हेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हम यू नो सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं, इसलिए आपको हेयर में सीरम देने की जरूरत होती है। सनस्क्रीन में जैसे हम लोग फेस में सनस्क्रीन लगाते हैं, उसी तरह आप हेयर में भी यूज कर सकते हो। आपको क्या यूज करना चाहिए वो मैं दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगी, यू नो बेस्ट प्रोडक्ट के साथ बताऊंगी। लेकिन अभी मैं ये बता देती हूँ, आपको दो दिन में, वीक में आपको 3 दिन शैम्पू करना चाहिए, हेयर को वॉश करना चाहिए। आफ्टर मतलब दो दिन करके आपको वीक में 3 दिन शैम्पू करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप वीक में दो बार तो शैम्पू करिए ही। और शैम्पू करने का तरीका मैं बता देती हूँ, आपको डायरेक्ट शैम्पू लेना है और यू नो वॉश नहीं करना है, आपको शैम्पू लेना है अपने पाम में और इसमें आपको थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है और उसे मिक्स करके पूरे हेयर में आपको अप्लाई करना है, हेयर में एंड स्कल्प में। स्कल्प पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमारे जो डैंड्रफ होती है, डर्ट होती है, वो स्कल्प में बहुत ज्यादा बैठ जाती है। मेनली रीजन होता है डैंड्रफ, डैंड्रफ की वजह से हेयर हो जाते हैं ड्राई और हेयर फॉल भी होने लगते हैं। सो आपको पहले ये करना है कि डैंड्रफ आपको आपके ना हो, उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो आपको स्कल्प में अच्छे से रब करना है। आपको ये ध्यान देना आपके नेल्स नहीं लगने चाहिए, आपको फिंगर टिप की हेल्प से आपके स्कल्प में आपको करना है मसाज, अच्छे से जेंटली मसाज करके आपको हेयर को वॉश कर देना है। और हेयर को वॉश करते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है नॉर्मली सिंपली, क्योंकि अगर हम शैम्पू करते हैं तो वो बहुत इजीली हमारे जो लेंथ होती है, लेंथ से डर्ट वगैरह निकल जाते हैं। तो आपको स्कल्प में ज्यादा ध्यान देना है, और अदरवाइज आप वॉश करोगे तो आपकी डर्ट वैसे ही निकल जाएगी। और अब मैं बता देती हूँ प्री कंडीशनिंग क्या है। लेकिन प्री कंडीशनिंग करने से पहले आपको करनी पड़ती है ऑयलिंग। जब भी आप शैम्पू करो उससे पहले आप ऑयलिंग जरूर करो, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि फिर से मैं एक न्यू ऑयलिंग वाली वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर उसमें ना समझे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। आफ्टर ऑयलिंग करने के बाद आपको ऑयलिंग करनी ही पड़ेगी। जब भी आप शैम्पू करो आप या तो एक रात पहले कर लो, या फिर बेस्ट तरीका 1 घंटे पहले आप ऑयलिंग करो। तो ऑयलिंग करने के बाद अब आपको करना है हेयर को वॉश। लेकिन वॉश करने से पहले क्या करना है मैं वो बता देती हूँ आपको। ऑयलिंग मेनली ऑयलिंग होती है आपकी स्कल्प में, आपको ऑयल लगा लेना है अच्छे तरीके से, आपके लेंथ में भी लगाना है, थोड़ी बहुत आप लगा सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा करके अपने स्कल्प में भी लगाती हूँ, हेयर में भी लगाती हूँ, स्कल्प में ज्यादा ध्यान में रखती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, ये है मेरा कंडीशनर, मैट्रिक्स की कंडीशनर है ये। यू नो मैंने भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाई है, यू नो मेरे हेयर बहुत कर्ल्स है जो कि मुझे नहीं पसंद है, तो मैं भी स्ट्रेटनिंग करवाती हूँ, 3 साल से मैं करवा रही हूँ। लेकिन मेरे हेयर आपको उतने ज्यादा डैमेज नहीं लगेंगे क्योंकि मैं ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, इसलिए ज्यादा हेयर मेरे ज्यादा ड्राई नहीं हुआ है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप भी केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो या करवाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप करवा सकते हो, लेकिन आपको ट्रीटमेंट और केयर की पूरी जरूरत है, आप जरूर करना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑयलिंग करने के बाद अपने जो मेरी जो हेयर लेंथ है उसमें मैं ये कंडीशनर अप्लाई करती हूँ। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट आज शैम्पू करना पड़ेगा, मुझे जरूरत पड़ गई है। तो मैंने ऑयलिंग तो नहीं की है, हालांकि मैं करती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना। आपको मैंने टाइम दिखा दिया, 6:34 हो रहे हैं और इस 1 घंटा पहले मुझे ऑयलिंग करने पड़ते तो मुझे और भी जल्दी उठना पड़ता, तो आज मैं ऑयलिंग नहीं की हूँ। लेकिन आप लोग जरूर से ऑयलिंग करें, और ऑयल के लिए बेस्ट 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 है ये, आप या तो कोकोनट ऑयल यूज करें और या तो आप हमारे सरसों का तेल यूज करें जो हमारे इंडिया में होती है। यू नो आपकी जो मिट्टी में उपज होती है और वो आपके लिए बेस्ट होती है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी या तो आप सरसों तेल लगाएं, अगर आप नहीं पसंद है तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। सो ये है मैट्रिक्स की कंडीशनर।
तो इसे मैं इस तरीके से लूंगी। तो इस तरीके से मैंने लिया है कंडीशनर और इसको मैं अब अपने हाथों में मिक्स कर लूंगी इस तरीके से। और यू नो ऊपर नहीं करना है, सिर्फ लेंथ में करना है। तो मैं अपने हेयर बैंड नहीं निकाल रही हूँ और मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारी लेंथ और इस लेंथ में हमें इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, सिर्फ लेंथ में, याद रहे आपकी जितनी हेयर ड्राई है उतने में। नो मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से दिख सके, इसलिए मैं व्हाइट पहनती हूँ। मैं अगर हेयर के कुछ दिखाती हूँ तो इस तरह से कर लेना है आपको कंडीशनर। और आपकी इस लेंथ में आपको थोड़ी सी और लेनी है, जो मेरे थोड़ी सी लेंथ है लंबी हेयर है इसलिए थोड़ा सा और लगेगा मुझे। तो इस तरीके से आपको रब नहीं करना है, आपको इस तरीके से लगा लेना है सिर्फ। तो ये हो गई है, लग चुकी है ये। प्री कंडीशनर दो तरह की होती है, एक होती है ऑयलिंग और एक होती है ये जो मैं कंडीशनर से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है, अब मैं दूसरे साइड में भी लगा ले रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप लगा लोगे और इसके बाद ठीक 10 मिनट या 5 मिनट के बाद आप हेयर को नॉर्मल जैसे वॉश करते हो आप वैसे वॉश करोगे, और वॉश करने के बाद आपको फिर से कंडीशनर लगाना है। और आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, मुझसे आपको एक मिनट ही टाइम देना पड़ेगा आफ्टर हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर लगाना है एक मिनट के लिए और फिर हेयर को कर लेना है वॉश। तो मैं आपको रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी कि कैसी हुई है शैम्पू करने के बाद। तो ये हो गई है, मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है अपने लेंथ में भी एंड पूरे जहां जहां मेरे मुझे लगता है कि मेरे हेयर ड्राई हो रही है तो मैंने लगा ली है इस तरीके से। तो यही है प्री कंडीशनर। और अब आपको 10 मिनट बाद कर लेना है शैम्पू, शैम्पू के बाद आपको यूज करना है कंडीशनर, और कंडीशनर के बाद आप जब हेयर को ड्राई करोगे तब आपको यूज करना है कोई भी सीरम। आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हो, मैं ये बता देती हूँ। आप अगर सिल्किन सैन यूज करते हो तो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, क्योंकि सिल्किन सैन आपको इंस्टेंट थोड़ा सा सिल्की कर देता है हेयर को, लेकिन आफ्टर उसके एक दो घंटे बाद या एक दिन बाद वो आपके हेयर को बहुत ही बुरी तरीके से करता है ड्राई। तो सिल्क एंड साइन को आप पूरा टोटली इग्नोर करें। आप स्ट्रिक्स के कंडीशनर ले सकती है, आप मैट्रिक्स के कंडीशनर ले सकती है, आप लॉरियल के कंडीशनर ले सकती है। अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट यूज करिए जिसमें कि जिससे कि आपके हेयर को कोई हार्म ना पहुंचे। सो यही था आज का वीडियो और मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अपने हेयर को वॉश करके। सो अभी मैं जाती हूँ हेयर वॉश करके, तब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने हेयर को वॉश करके और अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। और यू नो आपके दिमाग में चलता हुआ यार इतनी सुबह को ये कहाँ जा रही है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा तो आप मेरे दूसरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जहाँ की मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, यू नो मैं खाने के चैलेंजेस भी करती हूँ, स्टार्टिंग किया है मैंने। सो वहां पर आप मुझे कर सकते हैं सब्सक्राइब और देख सकते हैं मुझे मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मैं जो चैलेंज करती हूँ एक्सेप्ट खाने के लिए, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं दिखा देती हूँ अपने हेयर्स को। तो मेरे हेयर्स अभी 80% ड्राई हुए, 20% नहीं हुआ है। तो ये है फाइनल लुक। सो ये बहुत सिल्की, अभी ये 20% गीले हैं, लेकिन आप रिजल्ट देख सकते हो ये बहुत सिल्की शाइनी ये लग रहा है मुझे तो। और आप लोग एक बार ये करके देखिए, आपको 100% ये पसंद आएगा और फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और बाय द वे अगर आप ये लुक देखना चाहते हो, हालांकि मैंने अभी काजल लाइनर अप्लाई नहीं किया है, तो ये लुक देखना चाहते हो एवरीडे लुक जो मैं करती हूँ अगर मैं बाहर निकलती हूँ, तो जरूर से कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये है फाइनल रिजल्ट। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई नो मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ और जरूर आपके कमेंट्स भी आ सकते हैं कि आप इतना क्यों बोलती हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आपको समझाऊंगी कैसे। और प्रॉपर समझाना मुझे पसंद है, क्योंकि थोड़ी बोली थोड़ी अंदर रख ली ऐसा मुझसे नहीं होता है, मुझे जितना पता होता है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। सो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अगर मेरी बहुत ज्यादा लाउड आवाज आती है तो भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यू नो ऊपर नीचे कर लेना। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।